Assalamualaikum, welcome back my YouTube family। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मशहूर अदाकारा तमकीनत मंसूर के बारे में, राइजिंग स्टार तमकीनत मंसूर, जिनको आप काला डोरिया ड्रामा में भी रिसेंटली देख रहे होंगे। ये हसीन सी अदाकारा असल में कौन है, इनकी हसीन बेटियां, इनकी फैमिली, मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमकीनत मंसूर, जो कि आपको सिर्फ अभी काला डोरिया ड्रामे में नज़र आ रही हैं, ये इनका पहला ही ड्रामा है और ये इनका डेब्यू ड्रामा है। 2022 से ही इन्होंने कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन इनका कॉमेडी अंदाज जो है वो फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तमकीनत मंसूर बाय प्रोफेशन तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी करती हैं और एज अ कॉमेडियन ही इन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया था और वहाँ से ही डायरेक्टर ने इनकी कॉमेडी के अंदाज को इतना पसंद किया कि इनको काला डोरिया ड्रामे में कास्ट कर लिया। अगर मैं नाज़रीन तमकीनत मंसूर की बात करूँ फैमिली की, तो नाज़रीन इन्होंने शादी जो है वो की थी, अरेंज मैरिज थी इनकी। तमकीनत मंसूर का अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो कोई अच्छा इनका जो है वो टाइम स्पेंड नहीं हुआ, जिस पर अक्सर ना सिर्फ अपने स्टैंड अप कॉमेडी में बल्कि अपने शोज़ में भी ये बात बताती हुई नज़र आती हैं कि इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। वैसे तो ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी, डॉक्टरी भी साथ लेकर चली, लेकिन जो है इनके अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे ना थे, जिसकी वजह इन्होंने फिज़िकल जो है टॉर्चर के साथ साथ ये भी बताया कि मेंटली भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और दूसरी तरफ इनके कंधों पर दो बेटियों की जिम्मेदारी भी थी। और दो बेटियां जिनकी खूबसूरत सी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी माँ की ही परछाई हैं और तमकीनत मंसूर एज अ सिंगल पेरेंट अपने दोनों बेटियों की परवरिश करती हुई नज़र आती हैं। तो नाज़रीन ये थी तमकीनत मंसूर, जिनको आपने काला डोरिया ड्रामे में एज अ बिट्टो का रोल अदा करते हुए देखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेरों सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह निगेबान।